महाशिवरात्रि का पर्व भक्तों की मनोकामना और भांग की प्रसादी के संग शिव पार्वती के संगम महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भक्तों का लगता है तांता। मंदसौर के राम टेकरी क्षेत्र स्थित बटेश्वर महादेव मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं जो शत प्रतिशत पूर्ण होती है। मान्यता है यहां एक श्रीफल चढ़ावे के साथ अर्पण करने से श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। भोलेनाथ के दर्शन के पश्चात भक्त प्रसाद के रूप में पेड़े और ठंडाई का सेवन करते हैं। प्रसादी मध्यरात्रि तक वितरित की जाती है। यह प्रथा श्री मोहन लाल जी मर्चिया द्वारा शुरू की गई थी, जहाँ निरंतर रूप से समिति द्वारा भक्ति भाव से सेवा प्रदान की जा रही है। समिति द्वारा शाम 7 बजे ढोल नगाड़ों से महाआरती की जाती है। इसमें समस्त शहर की जनता उमड़ती है और महादेव का आशीर्वाद लेती है। कितने समय से भांग का वितरण हो रहा है और किस प्रकार से होता है यहाँ पर? ये भांग का वितरण जो है महाशिवरात्रि को हमारे मोहनलाल जी मर्चा जो है उनकी देवेंद्र के पापा उनने ये नीम रखी थी और उन्होंने हम लोगों को कहा कि भैया जो भी सहयोग राशि अगर कोई नहीं देता है तो भी मैं दूंगा और आप इस भंग का वितरण करो, मंदिर को थोड़ी सी उन्नति मिले। और सारे कार्य में उनका बहुत अच्छा सहयोग था। आज वक्त 25 सालों से यहाँ भंग वितरण हो रही है। यहाँ कम से कम ये मान के चलिए आपकी मंदसौर की आधी जनता को हम लोग यहाँ से भंग पिला रहे। ये सवेरे 11 बजे से चलता है जो रात 11 बजे तक चलता है। भंग तो की मात्रा तो इसमें कम रहती है लेकिन दूध की मात्रा ज़्यादा रहती है। करीब करीब 7 क्विंटल दूध का बनता है और 2.5 क्विंटल पेटे भरते हैं। और ये सब क्या है कि जनता के सहयोग से होता है। मुकेश परियार। भगवान श्री बटेश्वर महादेव मंदिर समिति राम टेकरी द्वारा लगभग 21 वर्ष से ये व्यापक कार्यक्रम जो भव्य स्तर पर होता है, भगवान श्री बटेश्वर महादेव भोलेनाथ का महाशिवरात्रि पर्व, और लगभग 11 वर्ष से व्यापक रूप से भव्य स्वरूप जो आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में जो प्रसाद लेने वालों की, ठंडाई लेने वालों की लाइन लग रही है। ये लाइन सवेरे 11 बजे से रात को 11-12 हरी इच्छा तक, भोले इच्छा तक चलती रहती है। भगवान श्री बटेश्वर महादेव मंदिर पर सवेरे 4 बजे से जो है भक्तगण, हमारे पुजारीगण पधार जाते हैं और यहाँ उनकी, भगवान बटेश्वर महादेव की आकर्षक महाआरती होती है, श्रृंगार होता है। उसके अलावा भगवान श्री बटेश्वर महादेव की सवेरे 10 बजे आरती होती है, दिन भर प्रसादी का कार्यक्रम चलता है। शाम 7 बजे ढोल नगाड़ों आतिशबाजी के साथ भगवान बटेश्वर महादेव की महाआरती का आयोजन होता है। महाआरती में हजारों की संख्या में नगरवासी पधारते हैं और आरती का लाभ लेते हैं। भगवान भोलेनाथ बटेश्वर महादेव की एक स्पेशल खासियत है, या उनका जो है वो यहाँ जो भी भक्त अपनी मुराद मांगता है या जो अपनी भावना यहाँ व्यक्त करता है, भगवान बटेश्वर महादेव उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। भगवान बटेश्वर महादेव को केवल एक नारियल, पूरा नारियल अर्पण करके अगर कोई श्रद्धालु अपनी मनोकामना जो भी मांगता है भगवान बटेश्वर महादेव पूर्ण करते हैं। ऐसी मैं नहीं, हजारों की संख्या में जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई है वो यहाँ व्यक्त करते हैं अपनी बात। मैं सभी नगरवासियों से निवेदन करता हूँ कि भगवान बटेश्वर महादेव की महाआरती शाम 7 बजे होगी, अधिक से अधिक संख्या में पधारें। एक बार मैं पुनः सभी यहाँ पधारे भक्तजनों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय देवेंद्र कुमार मर्चिया, एडवोकेट, बोलो बटेश्वर महादेव की। ब्यूरो चीफ हार्दिक हंडपावत की रिपोर्ट, R9 भारत के लिए।